एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्वर्ग कटारिया ब्लू एंड हर हर महादेव। तो आज है शिवरात्रि, आज के दिन जल चढ़ेगा, तो फास्ट है आज। जैसा कि आपको पता है मेरे तो फास्ट चल रहे हैं सावन के, तो एंड हस्बैंड रखते हैं हर साल, तो इस बार उन्होंने नहीं रखा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस ही सब जा रहे हैं धीरे धीरे घर के पूजा करने। अब टाइम हो रहा है 7:30 होने वाले हैं, तो बस मैं समीक्ष का लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज लंच में उसका सैंडविच बनेगा, तो देखती हूँ। राजमा बॉयल हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ राजमा को ही उसका बैटर सा बनाकर उसको जब उसके बना देती हूँ, तो देखती हूँ। मैं उसके साथ में रोज़ इस चीज़ इसलिए ट्राई करती हूँ कि क्या पता वो कुछ खा ले, क्योंकि मिर्च का वो कुछ नहीं खाता, तो इसलिए सोचती हूँ कुछ खा लेगा तो चला जाएगा पेट में। वैसे वो बॉयल राजमा तो खा लेता है, तो इसलिए बस उसका सैंडविच बना रही हूँ मैं। तो देखते हैं, और आगे मेरे ब्लॉग में बने रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके भी घर में कौन कौन कार्ड लेकर आया है। देखिए, मैं मिल रही हूँ आपसे। अब टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं करेक्ट 11 हो रहे हैं, तो बस अब चलते हैं। काम सब हो चुका है, सारा टोटल काम हो चुका है। देखा है, ये देखिए रसोई पूरी क्लीन हो चुकी है, और ये रहा हमारा पानी जो हमने रख रखा, इसका भी मैं बताऊंगी आपको। देखिएगा पानी, ये रखा पानी, ये मैंने रात को रखा था। एक चावल का इसमें दाना डाला था। अब मैं जाऊंगी इससे शिवलिंग बनाने, और हम बनाएंगे यहाँ मंदिर के आगे बैठ के बनाएंगे। देखिए ये रही मिट्टी, हम शिवलिंग बनाएंगे। तो जी चलिए मेरे साथ और बनाते हैं शिवलिंग सब मिलके। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ये शिव अभिषेक के लिए बना रहे हैं हम। शाम को शिव अभिषेक करेंगे, तो इसलिए मैं सब शिवलिंग बनाऊंगी। अभी इसमें मेरे को इत्र मिलाना है शाम को, जब मैं ये हमारे गमले की मिट्टी है, क्योंकि शुद्ध मिट्टी चाहिए, तो इसलिए गमले की मिट्टी ली थी हमने, और उसमें ही गंगा जल छिड़क दिया था जब मैंने निकाली थी मिट्टी, जब भी गंगा जल छिड़क वाले थे इसमें जो छोटी नैना थे उनसे। तो बस वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, वरना मैं मेरे ध्यान नहीं रहा, वरना दिखाती जरूर आपको कि मैंने कैसे कैसे निकाली है, कैसे करके गई थी मैं। तो बस जी, तो चलिए चलिए मेरे साथ अर्थ बनाते हैं शिवलिंग आप भी आज, जब हम शाम को शिव अभिषेक करेंगे सारे अपने, वहीं से दूर से ही हाथ जोड़ लेना। बस अभी मैं बनाऊंगी, वो आपको मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं कुछ भी आप, मैं कैमरा ऑन करके रख दूंगी, बस आप देखते रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पूजा के टाइम पे ना कुछ बोलूं। तो इस ये इत्र है, तो गाइस देखिए ये बन चुके हैं हमारे शिवलिंग। और ये है हमारी पूजा की थाली, जिसमें है इत्र, कमलगट्टे, सुपारी, काली मिर्च, रोमोली, गेहूँ, चंदन, शहद, जनेऊ, रोली। पंचवक्त्रांत्रनेता
ओम भूर्भुवस्व पार्थिवेश्वर देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। इनके साथ गणेश जी कार्तिकेय वीरभद्र और कुबेर का भी ध्यान करेंगे, हाथ में अक्षता रखिएगा। ओम जदग्रंथ प्रथम जायमान उदयन समुद्र मुखे आत्मन सर्वांगे दुधान्यजलं समर्पयामि। हाथ जोड़ ले बेटा, समृद्ध हाथ जोड़। अरे मेरा बेटा इतना बड़ा है। टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। जैसे कि आपको पता है शिव अभिषेक मैंने आपको दिखा दिया है क्या हुआ था। मैं जल्दी जल्दी से बस तैयार होकर मंदिर चली गई थी, पौने सात। ये देखो पहले इसकी सुन लो, क्या देखा आपने? मैंने काबा देखा, एक छोटा मारा। तो ये बता रहा है इसने कावड़ देखी। अभी भी बस शिव अभिषेक हो चुका है, विसर्जन हो चुका है। बस मैं सुबह को उसे, जैसा कि उन्होंने बताया था, जो हमने जिसका देख के कर रहे हैं, हम ये शिव अभिषेक हम कर रहे हैं। उनका नाम है प्रदीप मिश्रा जी, जो महाराज जो शिव पुराण सुनाते हैं, कथावाचक हैं। तो बस उन्होंने ये बताया था कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर में भी कैसे विसर्जन कर सकते हैं। तो बस हमने वैसे ही घर में ही विसर्जन करा रात को। बट हमने आज क्या करा, हमने साथ के साथ ही विसर्जन कर दिया। पापा के आने के बाद में ही पापा और मम्मी के हाथों से विसर्जन हो चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा ही लगेगा, भगवान की कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और फिर ये तो भोलेनाथ है, जो भोले ही है सबसे ज़्यादा, भोलों में भोले, भोलेनाथ जी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलना हर हर महादेव। करते हैं इस ब्लॉग का एंड। बाय कर दो, बोलो मेरी मम्मा को मिश्री, मेरी मम्मा को मिश्री दे दो, इसको इसकी मम्मा को मिश्री दे दो। चलिए जी, मैं भी अपना पर्स खोलती हूँ, चेन करती हूँ। काम सब हो चुका है, चेन वगैरह सब क्लीन हो चुकी है। तो अब टाइम भी हो रहा है, 9:45 का टाइम हो रहा है, 10 बजने ही वाले। तो जी बस मैं इसलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।